शिक्षा क्रांति लाएंगे हम, आगे बढ़ते जाएंगे, ज्योति जगा कर ज्ञान की हम सबको राह दिखाएंगे। प्यारे बच्चों, शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक झिलमिल का पेज नंबर 9 करेंगे। पेज नंबर 9 में हमें मुहावरे दिए गए हैं। मुहावरे करने हैं आज हमें। मुहावरे क्या होते हैं बच्चों? जो हमारे साधारण से अर्थ होते हैं उनको घुमा फिरा के नई बात नई तरह से कहना ही मुहावरे होता है। जैसे खाला जी का घर, तो यहाँ पे देखने में क्या लगता है कि खाला जी कोई व्यक्ति है और उसके घर के बारे में बताया है, परंतु इसका अर्थ कुछ और निकलता है। खाला जी का घर का मतलब होता है आसान काम, आसान काम। तो ऊपर जैसे दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाए। तो खाला जी का घर है, उसका अर्थ क्या हो गया? आसान काम। कोई भी आसान काम है, जैसे साइकिल चलाना, सीधी लाइन खींचना, है ना, तो ये बिल्कुल आसान काम है। गोल चक्कर बनाना, टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींचना, ये आसान काम है। तो क्या है? खाला जी का घर, आसान काम। तो यहाँ हम लिखेंगे, अब इसका वाक्य बनाना है जिसके अंदर खाला जी का घर का प्रयोग करना है। जैसे हमने पाठ पढ़ा था बड़ा, उसके अंदर आया था ना कि बड़ा बनना खाला जी का घर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि बड़ा बनना आसान काम नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो वही बात हम लिख देते हैं, बड़ा बनना खाला जी का घर नहीं है। तो ये हमने खाला जी का घर इस मुहावरे का इसमें प्रयोग कर लिया है। चलो आगे चलते हैं। जले पर नमक छिड़कना, अब इसका जब हम पढ़ते हैं तो थोड़ा सा एहसास होता है कि इसका क्या मतलब होता है। मान लो हमारा कोई शरीर का अंग जल गया और उसके ऊपर हम नमक छिड़क दें, तो क्या होगा? नमक छिड़कने से हमारे जलन हो जाएगी। तो पहले तो हमें जले हुए का दर्द है और ऊपर से नमक छिड़क देंगे तो क्या होगा? और ज़्यादा दर्द होगा। तो जले पर नमक छिड़कने का अर्थ होता है दुखी को और दुखी करना, जो पहले दुखी है उसको और दुखी करना, दुखी को और दुखी करना। इसका अर्थ क्या हुआ? दुखी को और दुखी करना, कि पहले जो दुखी है उसको और ज़्यादा दुखी कर देना। नमक जले पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुखी करना, तो इसका क्या होएगा? हम इसका वाक्य बनाते हैं कि राम पहले ही भूखा था और उसे खेत में भेजकर जले पर नमक छिड़क दिया। राम के पास कॉपी नहीं थी और किताब पूछकर उसके जले पर नमक छिड़क दिया। राम के पास खाने के लिए रोटी नहीं थी और दूध भी बिल्ली पी गई, उसके जले पर नमक छिड़क गया। मतलब रोटी नहीं होने के कारण क्या था? वो दुखी था, भूखा था, उसके पास दूध था, भी चलो दूध से चाय बना लेंगे या फिर दूध पी लेंगे, वो भी बिल्ली पी गई। तो क्या हुआ? जले पर नमक छिड़कना। राम सुबह से भूखा था और उसे खेत में भेजकर जले पर नमक छिड़क दिया। ना पहले ही भूखा था और उसको खेत में गर्मी में, इतनी गर्मी में खेत में और भेज दिया, तो क्या हुआ? भूखा था, उससे पहले परेशान था और खेत में इतनी गर्मी में भेज दिया तो और भी ज़्यादा परेशान हो गया। तो क्या मतलब हुआ कि जले पर नमक छिड़क दिया।
पापड़ बेलना, पापड़ बेलने का मतलब क्या होता है? पापड़ बेलना, जैसे पापड़ बेलते हैं आपने देखा होगा, पापड़ बेलने का अर्थ होता है बहुत परिश्रम करना या फिर बहुत मेहनत करना, किसी काम को करने के लिए बहुत मेहनत करना। जहाँ पे इसका मेहनत कौन सी होती है? अपना काम पूरा करने के लिए। जैसे हमें किसी के पास से कोई सामान लेके आना है परंतु वो सामान नहीं दे रहे, तो हम क्या करेंगे? वो सामान लाने के लिए बहुत पापड़ बेलते हैं, तब जाके वो सामान मिलता है। मतलब इधर उधर हाथ जोड़ते हैं, किसी को लेके जाते हैं, तो ये होता है पापड़ बेलना। तो बहुत मेहनत करना, बहुत परिश्रम करना। आजकल नौकरी के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, पापड़ बेलने पड़ते हैं, पढ़ते हैं ना। यूँ नौकरी नहीं मिलती, नौकरी के लिए पहले पढ़ना पड़ता है, फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इधर उधर जाना पड़ता है, और फिर बहुत ज़्यादा परिश्रम करके ही नौकरी मिलती है। तो नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आगे है लार टपकाना। लार कब टपकाते हैं? जब हमें कोई खाने की चीज़ दिखाई दे और हमारा मन करे कि हम उसको खाएं, तो लार टपकाना लालायित होना, लालायित होना। लार टपकाना मतलब लालायित होना। जलेबी को देखकर आता है ना तुम्हारे मुंह में भी पानी, जलेबी को देखकर वह लार टपकाने लगा। जलेबी को देखकर वह लार टपकाने लगा। आगे है टेढ़ी खीर। टेढ़ी खीर क्या होता है? कठिन काम, बहुत ही जो कठिन काम होता है ना, वो होता है टेढ़ी खीर। कठिन काम या फिर कार्य, कठिन काम, इसके लिए हम क्या लिखेंगे? जैसे कोई भी मुश्किल काम हो, जैसे 10वीं पास करना बहुत टेढ़ी खीर है, नौकरी लगना बहुत टेढ़ी खीर है। चलो नौकरी का लिख देते हैं, आजकल नौकरी पाना बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत टेढ़ी खीर है। दो पाटों के बीच में पिसना, दो पाटों के बीच में पिसने का मतलब क्या होता है? मुसीबत आ जाना, मुसीबत आ जाना, दो पार्टों के बीच में फंसना। जैसे इसका देखने से ही लगता है कि मान लो दो पार्ट है, उसके बीच में कोई फंसते तो क्या होता है? बिल्कुल वो मुसीबत में फंस जाता है। राम घर जाकर दो पार्टों के बीच में फंस गया। दम निकलना, मर जाना। दम निकलने का मतलब क्या होता है? मर जाना। उसका घर जाते ही दम निकल गया, वह मतलब इसका क्या हुआ? घर जाते ही मर गया, घर जाते ही दम निकल गया। घबरा जाना, घबरा जाना, डर जाना,
शेर को देखकर वह घबरा गया। शेर को देखकर वह घबरा गया। तो बच्चों ये थे हमारे आज के मुहावरे जो हमने किए हैं। ये दो मुहावरे आपको वीडियो पे दिखाई नहीं दिए होंगे, अब मैं दोबारा बता देता हूँ कि दम निकलना होता है मर जाना, उसका घर जाते ही दम निकल गया। घबरा जाना डर जाना, घबरा जाना क्या होता है डर जाना, ये होता है शेर को देखकर वह घबरा गया। तो बच्चों आज की जो ये वीडियो थी इसमें हमने मुहावरे किए, इन मुहावरों को अपनी पुस्तक के ऊपर उतारना है और जिसके पास पुस्तक नहीं है तो वीडियो को रोककर इन्हें अपनी कॉपी में करेंगे और अपने टीचर के पास भेजेंगे। तो बच्चों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरा चैनल शिक्षा क्रांति ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएँ ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।